नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना का मीठापुर बस स्टैंड की शिफ्टिंग आज से एक दिन के बाद 15 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन शिफ्टिंग की तारीख को अब बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बस स्टैंड को मीठापुर से नए नवेले पाटलिपुत्र बस टर्मिनल यानी कि ISBT बैरिया में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन अब यह 20 जुलाई के बाद ISBT बैरिया में शिफ्ट होगी। इसकी वजह है कि ISBT में अभी भी कई सारी तैयारियां अधूरी है। ऐसे में जब तक जरूरी तैयारियां पूरी नहीं होंगी, तब तक मीठापुर बस स्टैंड को बैरिया शिफ्ट कर पाना मुश्किल है। बताते चले कि राजधानी पटना का मीठापुर बस स्टैंड बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के व दिल्ली जैसे अन्य राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन हजारों की संख्या में यात्रीगण यहां से यात्रा करते हैं या फिर अन्य जगह से यात्री पहुंचते हैं। हर दिन मीठापुर से हजारों की संख्या में बसें खुलती है। ऐसे में बड़े स्तर पर सुविधाएं बहाल करनी है, इसलिए इसे बैरिया में बने नए बस स्टैंड ISBT बैरिया में शिफ्ट करना है। आपको बता दें कि अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बैरिया में फिलहाल 600 से ज्यादा बसें रोजाना खुल रही हैं, हालांकि यहां से अभी ज्यादातर निजी बसें खुल रही हैं। करीब 250 निजी बसें रोजाना ISBT पर आ जा रही हैं। वहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की भी 40 से 50 बसों का परिचालन यहां से हो रहा है। ये बसें सरकारी हैं। फिलहाल अभी नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, गया और जहानाबाद के लिए बसें खुल रही हैं। शेष 32 जिलों की बसें भी ISBT से खुलेंगी, जिसके बाद बसें और यात्रियों की संख्या भी कई गुना बढ़ जाएंगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। फिलहाल ISBT बैरिया की सुविधाओं की बात करें तो 25 एकड़ में फैली ISBT यात्रियों के लिए पार्किंग, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा के इंतजाम, CCTV कैमरा आदि की व्यवस्था कर चुका है। आपको बता दें कि पटना के मीठापुर बस स्टैंड से बिहार के सभी जिलों के लिए बसें खुलती थी, जो कि शिफ्ट हो जाने के बाद पाटलिपुत्र बस टर्मिनल यानी कि ISBT बैरिया से खुलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में बड़े पैमाने पर यात्री सुविधा बहाल होनी जरूरी है, इसलिए अब 15 जुलाई नहीं बल्कि 20 जुलाई के बाद ही मीठापुर बस स्टैंड को बैरिया में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद से यात्रीगण को बैरिया ISBT से ही बस पकड़नी होगी। बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों के साथ दूसरे राज्यों से भी आम नागरिकों का बसों के माध्यम से काफी आवागमन होता रहता है। ऐसे में नए टर्मिनल को सभी सुविधाओं के साथ तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि इससे पटना स्टेशन से बस स्टैंड की तरफ जाने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद पटना जंक्शन से बस स्टैंड की दूरी सीधे दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।